हेलो फ्रेंड्स दिस इज दीपक सिंह और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ट्रेडिशनल मेडिसिन का या फिर आयुष सिस्टम का हम जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे अंडर प्रिलिम्स अतुल्य ये करंट अफेयर्स के लिए भी रेलिवेंट है पर प्रलिम्स अतुल्य के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये अपकमिंग प्रिलिम्स के लिए क्योंकि इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक तो ये डिस्कस करेंगे कि डब्ल्यू का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इंडिया में सेटअप करा गया है इसको इनोग्रेट करा गया है एक तो ये डेवलपमेंट हुई है आपकी अप्रैल के महीने में दूसरी डेवलपमेंट हुई है ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट यह आपकी हुई है तो ये भी आपकी सबसिक्वेंटली आपकी अप्रैल में अभी चल रही है आपकी अप्रैल बाईस से स्टार्ट हुई थी अप्रैल बाईस इक्कीस बीस इक्कीस बाईस से आपको हुई थी तो अगेन इस कंटेक्स में पहले तो मैं ये टॉपिक्स दोनों आपको बताऊंगा इन डिटेल आपको बताऊंगा कि क्या ये समिट हुई थी इसका मतलब क्या है ट्रेडिशनल मेडिसिन का मतलब क्या है डब्ल्यू के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वेदर ट्रेडिशनल मेडिसिन इज डिफरेंट फ्रॉम आपका ऑल्टरनेटिव आपका मेडिसिन होता है आयुष सिस्टम क्या है इन दोनों इवेंट्स में क्या हुआ था जो आपका डब्ल्यू एच ओ ग्लोबल सेंटर है वो क्या है आपका फिर जो समिट में क्या क्या मोदी जी ने अनाउंसमेंट्स करी थी तो ये प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए तो इंपॉर्टेंट है इस साल के प्रीलिम्स के लिए और अगले साल के लिए और साथ में फिर मैं आपको ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम आयुष सिस्टम जो आयुष के कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में बताऊंगा और पिछले साल में पिछले एक डेढ़ साल के अंदर दो साल के अंदर क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं उसके बारे में बताऊंगा कुछ रिपोर्ट्स भी आई थी जिसके अकॉर्डिंग आपका जो आयुष सेक्टर कि जो आपके रेवेन्यू पोटेंशियल है उसके बारे में भी कुछ प्रोजेक्शन आई थे रिपोर्ट्स आई थी मोदी जी ने भी, भी उस पर एम्फोसाइज करा था तो अगेन आई बी कवरिंग ऑल दिस डायमेंशन इन अ थ्री एंड कंटेम्प्रेरी तो इसी एक लेक्चर में आपको आयुष के रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट्स हुई हैं वो सारी मैं आपको बता दूंगा तो फ्रेंड्स लेट स्टार्ट द टॉपिक ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन आयुष सिस्टम तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बोला था कि डब्ल्यू एच ओ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन ये आपका स्टैब्लिश करा गया है ये आपका इसका इनग्रेशन हुई थी आपका तो मोदी जी ने इनोग्रेट करा था तो आप देख सकते हैं 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 पे तो ये आपके, के, आपके मिनिस्टर है, ये तो 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 ये 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 आपके आपके के के प्राइम मिनिस्टर मोदी मोदी जी जी और डायरेक्टर जनरल इन्होंने सेटअप करा था तो अगेन इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे सो आई एम प्रधानमंत्री द फाउंडेशन स्टोन फॉर ग्लोबल है आपका जामनगर में तो कोई दिल्ली में आपका सेटअप नहीं करा गया कहीं हैदराबाद वो आपका हरिद्वार हो गया आपका कहीं किसी और सिटी में आपका मेट्रोपॉलिटन सिटी में नहीं करा गया गुजरात में जामनगर में करा गया है एंड द सेरेमनी वॉज अटेंडेड बाय मॉरिशियस के जो प्राइम मिनिस्टर है आपका प्रविंद कुमार जुगनॉथ एंड आपका डब्ल्यू के डायरेक्टर जनरल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल जो है आपका डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेस ये आपके डायरेक्टर जनरल हैं डब्ल्यू एच ओ के तो अगेन इनके बारे में अगर मैं ये टॉपिक आपसे डिस्कस करूंगा तो जैसे बताया था ये ध्यान रखना कि मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर भी आए हुए हैं तो इस कंटेक्स में भी आ सकता है कि कौन उस टाइम पे आपका प्राइम मिनिस्टर आया हुआ था मॉरिशस के साथ जो भी इंडिया कुछ एग्रीमेंट साइन करता है काफी लंबी विजिट के लिए आए एक हफ्ते के लिए तो उसके लिए अलग से लेक्चर कवर करूंगा तो ये ध्यान रखना ना और कहाँ पे आया आपका जामनगर में आपका अगर आ गया है अगर हम इसकी टाइमलाइन देखें तो 2020 में नवंबर 2020 में डब्लू के जो डायरेक्टर जनरल हैं मिस्टर टेड्रॉस आपके उन्होंने अनाउंस करा था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डब्ल्यू एच आपका इन इंडिया एंड मार्च आपका 2022 को ही आपका इसी साल के मार्च में आपका यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया अप्रूव द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सेंटर इन जामनगर विथ साइनिंग ऑफ अ होस्ट कंट्री एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्मेंट ऑफ इंडिया एंड डब्ल्यू एच ओ तो ये आपका ग्लोबल सेंटर है बट अगेन इसका जो होस्ट कंट्री है वो इंडिया है बट अगेन इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू इंडिया आपका ये डब्ल्यू एच ओ का सेंटर है जो इंडिया में आपका लोकेटेड आपका तो ये इसकी टाइम लाइन है आपका इसके बारे में देख लेते हो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड डब्ल्यू एच ओ ने दोनों ने मिल के यूनाइटेड नेशन ऑर्ग की जो बॉडी है आपकी डब्ल्यू एच ओ उन्होंने मिलकर ये स्टेब्लिश करा है एंड दिस इज वर्ल्ड फर्स्ट एंड ओनली ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन आपका जामनगर में जो आपका इट विल हैव इट्स इंटेरियम ऑफिस एट द इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा इन गुजरात आपका तो जो इसका इंटेरियम ऑफिस है आपका इस टाइम पे जो अभी इसका फंक्शन है अभी टाइम फॉर द टाइम बिंग आपका जो इसका इंटेरियम ऑफिस है वो आपका इन गुजरात तो यहाँ पे आपका है आई टी आर एम आपका इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा द सेंट्रल विल बी सपोर्टेड बाई एन इन्वेस्टमेंट ऑफ अबाउट यू एस डी टू फिफ्टी मिलियन फ्रॉम द गवर्मेंट ऑफ इंडिया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट करेगी अगेन आयुष को वैसे भी इंडिया प्रमोट कर रही है आयुष सिस्टम को ट्रेडिशनल मेडिसिन के सिस्टम को कोरोना वायरस के टाइम पे भी काफी आपका इसका लोग काफी इस पे टूवर्ड्स Uh, इसको अडॉप्ट करने लग गए थे तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेंटर इज टू हार्नेस द पोटेंशियल ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड एंड थ्रू मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंप्रूव हेल्थ ऑफ द वर्ल्ड कम्युनिटी आपका तो यही है कि ट्रेडिशनल मेडिसिन को जो आपका सिस्टम है उसको मॉडर्न आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी को यूज करके ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम को पॉपुलराइज करना है और लोगों तक पहुंचाना है ताकि ओवरऑल हेल्थ बढ़े इट विल हाईलाइट द पोटेंशियल ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड यूजिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट फॉर इट्स सेफ यूज Apart from that, it will implement the WHO's traditional medicine strategy for the year 2014-23. ये बहुत important point है कि WHO ने, in fact, ऐसा नहीं कि traditional medicine को WHO रही recognise करता, है। ये बहुत इмportant point है कि 2014 से लेकर 2023 तक, ये 10 साल की strategy थी WHO's traditional medicine strategy. तो फिर ये center उसको उस विजन को सपोर्ट करेगा वैसे तो बल्कि अभी 2022 हो ही चुकी है उसमें काम फंक्शन करना शुरू करेगा अभी ये बट अगेन उसको सपोर्ट करेगा तो ये ध्यान रखना इसका ईयर ध्यान रखना कि 2014 से 2023 तक का आपका इसका है तो ये आपका ग्लोबल सेंटर है जो जी है जामनगर में सेटअप करा जा रहा है डब्ल्यू के साथ तो बहुत अच्छी बात है पर इससे पहले भी इंडिया ने कुछ कोलैबोरेशन करी है किसी कंट्री के साथ किसी और इंस्टीट्यूशन के साथ फॉर प्रमोटिंग ट्रेडिशनल मेडिसिन है कि नहीं तो इसमें भी पूछा जा सकता है कि पास्ट में क्या इनिशिएटिव दिए इसमें प्रिलम्स के लिए और मेन स्केप कंटेक्स में भी क्वेश्चन बन सकता है कि वट ऑल स्टेप्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट ट्रेडिशनल मेडिसिन इन द वर्ल्ड तो उस कंटेक्ट में अगर देखें तो बहुत सारे स्टेप्स लिए फॉर एक्साम्पल दो में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष तो अगेन सबसे पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एक अलग मिनिस्ट्री आपकी क्रिएट करी गई थी आपकी जो मोदी जी ने क्रिएट करी थी तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने 2016 हजार सोलह में साइंड प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन एग्रीमेंट पीसीए प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन एग्रीमेंट विद डब्ल्यूएचओ इन एरिया ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन द एम वॉज टू क्रिएट बेंच मार्क्स फॉर ट्रेनिंग तो आपका प्रोजेक्ट कोलेबोरेशन एग्रीमेंट डब्लू एच ओ साइन साइन करा था फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन में टू क्रिएट बेंच मार्क्स फॉर ट्रेनिंग इन योगा आयुर्वेद यूनानी एंड आपका पंचकर्मा आपका तो कि अगर किसी को भी इन चीजों में आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है तो उसके क्या होने चाहिए? कोई इसका अगर प्रैक्टिशनर बन रहा है तो उसके क्या बेंचमार्क होने चाहिए तो ये के साथ ने साइन करता दो हजार में साथ में एटलीस्ट आपका तीस से ज्यादा आपके एमओ यूज मेंंडरस्टैंडिंग साइन विद वेरियस इंस्टीट्यूट इन मोर देन लाइक आपका सारी डेवलप कंट्रीज हो गई UK, Canada कैनेडा होगी उनके साथ कोलैबोरेटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए आपके साथ एमओयू साइन करे गए हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट के साथ बहुत सारी कंट्रीज में आपका साथ में काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल एक इंस्टीट्यूशन है पालमपुर में बाय द नेम ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी लोकेटेड इन पालमपुर सो इट हैज साइन एन एमओयू विद नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ चाइनीज मेडिसिन एंड आपका ताइवान की भी कोई मिनिस्ट्री है उसके साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइनीज मेडिसिन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ताइवान के साथ टू कोलाबरेट इन द एरियाज ऑफ आपका मेडिसिनल प्लांट तो ताइवान के साथ भी अगर देखें तो इंडिया और ताइवान का वैसे तो ज्यादा कोई इतना मतलब कोलैबोरेशन तो रहता ही है डिप्लोमेटिक रिलेशन तो वैसे इंडिया के चाइना के साथ है ताइवान के साथ नहीं है पर अनऑफिशियली इंडिया और ताइवान ट्रेड करते रहते हैं आपका कोलैबोरेशन करते रहते हैं तो अगेन मेडिसिनल प्लांट्स के साथ उसके साथ अगर आपके रिसर्च करने के लिए मेडिसिनल प्लांट्स के लिए तो अगेन ताइवान की जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर ऑल्सो द सी एस आई आर एंड एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन रिसर्च बिटवीन रिसर्चर्स विद इन एंड आउटसाइड इंडिया तो ग्लोबल रिसर्च जो भी बहुत सारे रिसर्चर्स है आपके ऑल ओवर द वर्ल्ड है तो ये इंश्योर करना कि वो सारे रिसर्चर्स इंडिया और बिल मिलिंडा गेट्स के साथ आपका कोलैबोरेट करे रिसर्च करे एक ऐसा नेटवर्क फॉर्म करने के लिए इंडिया ने बिल एंड मिलिंडा गेट्स के साथ एक एमओयू साइन करा था फॉर एरियाज फॉर इंश्योरिंग वर्क इन द ट्रेडिशनल मेडिसिन तो आप देख सकते हैं कि जीसी आपका जामनगर में तो इस्टेब्लिश करा ही गया है ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन साथ में आपका डब्ल्यू के साथ आपका एक एग्रीमेंट साइन करा गया था पीसीए आपका साइन करा गया था इन्होंने प्रोजेक्ट एग्रीमेंट आपका करा था साथ साथ में बहुत कंट्रीज के साथ MOU, फिर इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी पालमपुर ये और साथ में बिल एंड मिलेंडा गेट्स के साथ भी हमने काफी सारे स्टेप्स लिए गए हैं एमओयू साइन करा गया है अब हम दूसरा तो हमने ग्लोबल सेंटर फॉर आपका ट्रेडिशनल मेडिसिन जामनगर तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया साथ में हम डिस्कस करते हैं हम ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट 2022 तो अगेन डब्ल्यू एच ओ के जो आपके आए हुए थे डायरेक्टर जनरल मिस्टर डॉक्टर टेड्रोस भी आए हुए थे मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर भी आए हुए थे तो सोचा कि चलो हमने वहां पे सेंटर तो इनोग्रेट कर दिए साथ में एक आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन स्कीम भी आपकी समिट भी आपकी लॉन्च कर देते हैं उसको भी ऑर्गेनाइज कर दे रहे हैं तो यहाँ पे आयुष सेक्टर में कितनी इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है अगेन इसके कंटेक्ट में और इसमें क्या क्या इनोवेशन करी जा सकती है उसके लिए समिट ऑर्गेनाइज करी गई थी तो ये आपकी बीस से, से बाईस अप्रैल में आपकी समिट आपकी हुई थी 20 से 22 अप्रैल को ये समिट चल रही है आपकी तो अगेन इस समिट में ये आपके WHO के डायरेक्टर जनरल है मोदी जी ये मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर हैं तो ये आपकी 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 समिट समिट हुई थी आपकी, गुजरात में 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 गांधीनगर अब इस समिट में देख लेते हैं कि क्या क्या स्टेप्स लिए गए थे क्या क्या अनाउंसमेंट्स करी गई थी उसके बारे में देख लेते हैं तो मोदी जी ने इनोग्रेट करी थी ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट आपका गांधीनगर में आपका एंड ये आपकी अप्रैल 22 तक चलेगी एंड इट वाज

मोदी जी ने इस समिट पे ये बोला था कि वेर द आयुष सेक्टर वॉस लेस देन थ्री बिलियन डॉलर वर्थ था आपका पूरा आयुष सेक्टर की जो आपकी इकोनॉमिक पोटेंशियल थी सिर्फ थ्री बिलियन डॉलर थी आपकी सो नाउ इट हैज इंक्रीज टू एटीन बिलियन डॉलर आपका 2021 में 2020 तक आपका 2021 तक आपकी अट्ठारह बिलियन डॉलर तो सिक्स टाइम जम्प आपकी हुई है तीन बिलियन डॉलर से आपका अट्ठारह बिलियन डॉलर तो ये पॉइंट आपका प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है और मेंस के लिए भी ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है इसको कोट कर सकते हैं कि आयुष की कितनी पोटेंशियल है आपकी इन जनरल इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और एक्सपोर्ट पोटेंशियल बहुत ज्यादा है साथ में मोदी जी ने बहुत सारे अनाउंसमेंट करी थी इस समिट के ऊपर पहले दिन ही उन्होंने बहुत ज्यादा अनाउंसमेंट कर दी कि मैं ये करूंगा वो करूंगा तो क्या क्या अनाउंसमेंट करी है पहले तो आयुष मार्क के बारे में देख लेते हैं अ स्पेशल आयुष मार्क फॉर आयुष प्रोडक्ट्स विल बी गिव पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड कॉन्फिडेंस ऑफ क्वालिटी आयुष प्रोडक्ट तो एक आयुष मार्क आयुष का मार्क जैसे आपका आईएसआई मार्क होता है बीएसआई स्टैंडर्ड्स होते हैं आपका एक ब्रांड का आपका होता है कि ये ट्रेडमार्क होता है कि चलो ये आयुष मार्क प्रोडक्ट है आपका तो अगर आयुष मार्क लगा हुए तो यानी कि इट विल गिव यू एश्योरेंस की हाँ इसमें आयुर्वेदा का अगर प्रोडक्ट है तो डेफिनेटली इट गिव समिफिट आपका तो एक आयुष मार्क आपका डिजिग्नेट करा जाएगा जो सिर्फ उसी प्रोडक्ट को दिया जाएगा जो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स आपके मीट करेगा तो यानी कि कोई भी आपकी होम्योपैथी हो गई, आपकी आयुष सिस्टम हो गई यूनानी मेडिसिन हो गई, आपकी कुछ भी हो गई तो उस पर अगर आयुष मार्क है तो यानी कि सर्टिफाई करा गया है आपके एक्सपर्ट्स ने कि इसके बेनिफिट्स हैं आपके तो ये आयुष मार्क का सिस्टम है ताकि आप जेन्युअन आयुष प्रोडक्ट और सर्विसेज लें आपका आयुष मार्क हो गया दूसरा हो गया आयुष मार्क्स पार्क्स हो गया आपके तो ऐसा नहीं है कि वहां पे जो आपके नॉर्मली आपके घर के आसपास पार्क होते हैं वो वाले पर ये इंडस्ट्रियल पार्क की फॉर्म में आपके आयुष पार्क बनाए जाएंगे आपके सो गवर्नमेंट विल डेवलप नेटवर्क ऑफ आयुष पार्क टू इंकरेज द प्रोमोशन रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयुष प्रोडक्ट्स अक्रॉस द कंट्री तो जिस तरीके से आपके स्पेशल इकोनॉमिक जोन हुआ करते थे इंडस्ट्रियल पार्क्स होते हैं आपके इंडस्ट्रियल पार्क्स आपने सुने होंगे कि ये पर्टिकुलर एरिया है आईटी पार्क्स है इंडस्ट्री फिर आपके हो गए आई पार्क्स हो गए तो उस तरीके के आपके एरियाज के कंटेक्स में आपके ये आयुष पार्क भी आपके बनाए जाएंगे आपके फॉर प्रोमोटिंग आपका रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्रॉम प्रोमोशन रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आपका आयुष प्रोडक्ट्स आपका साथ में आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है आपका एफ एस एस ए आई एफ का जो है तो उसने जबकि फूड स्टैंडर्ड एंड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया सो इट ऑल्सो अनाउंस द न्यू कैटेगरी नेम्ड आयुष आहार आहार मीन्स फूड आपका तो अगेन इन्होंने भी एक नई कैटेगरी तो आयुष मार्क हो गया आयुष पार्क हो गए साथ में आयुष आहार हो गया रेगुलेशन so ये ने आपका अनाउंस करा है, तो ये ध्यान रखना कि ये आपका एफ एस एस ए आई ने करा है ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने नहीं करा तो मोदी जी ने भी इसके बारे में अनाउंसमेंट करा था और पिछले अभी कुछ एक हफ्ते पहले ही आपका अप्रैल दो हजार बाईस में ही ये एफ एस एस ए आई ने अनाउंस करा है सो दिस विल ग्रेटली फैसिलिटेट द प्रोड्यूसर्स ऑफ हर्बल ऑफ़ हर्बल न्यूट्रल्स सप्लीमेंट्स जो होते हैं तो ये आयुष आहार है तो यानी कि अगर कोई ऐसा इंसान है जिसको आयुर्वेदा बेस्ड ही खाना खाना है अगर उसको कुछ खाना खाना है हर्बल प्रोडक्ट्स खाने हैं नॉर्मल डाइट पर इंक्लूड करना है तो ये आयुष आहार प्रोडक्ट ये इंश्योर करेगा कि चलो यार ये वाला जो खाना है ये आयुष बेस्ड है यानी कि इसमें कुछ आयुर्वेदा के आपके कुछ इंक्लूड्स करे गए हैं इं, इंग्रेडिएंट्स इंक्लूड करे गए हैं होम्योपैथिक फूड है या फिर आपका यूनानी बेस्ड है आयुर्वेदा बेस्ड बेनिफिट है तो ये आपका आयुष आहार है इंडिया विल ऑल्सो इंट्रोड्यूस द स्पेशल कैटेगरी आयुष वीजा कैटेगरी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये हिंदू न्यूज पेपर के इनफैक्ट आपका अप्रैल इक्कीस दो हजार बाईस के फ्रंट पेज पे भी आया था आयुष वीजा कैटेगरी तो आयुष पार्क हो गया आयुष मार्क हो गया आयुष आहार हो गया अब आयुष वीजा कैटेगरी हो गई फॉर फॉरन नेशनल हू वॉन्ट टू कम टू इंडिया टू टेक एडवांटेज ऑफ आयुष थेपी So, ये भी मोदी जी ने अनाउंस कर दिया कि आयुष थेरेपी के लिए यानी कि आपका एक होता है हेल्थ टूरिज्म आपका एक कंसेप्ट बढ़ गया है कि कुछ लोग सिर्फ आपका हेल्थ एंड वेलनेस टूरिज्म आपका हो गया तो कुछ लोग इंडिया सिर्फ आपका होते हैं कि या तो आपकी सर्जरी कराने के लिए आते हैं हेल्थ के चक्कर में या फिर वेलनेस वेलनेस हो गया कि सिर्फ आपका क्योंकि इंडिया के जो आपके जो थेरेपीज हो गई हैं आपकी वो काफ़ी फेमस है ऑल ओवर द वर्ल्ड आपका तो कुछ आयुष थेरेपीज हो गई आयुर्वेदा हो गया नेचुरोपैथी हो गई मसाजेस हो गए आपके केरला जैसे उसको काफ़ी प्रमोट करता है आपकी तो इंडिया सिर्फ अगर आयुष के सेक्टर में उसको वेलनेस प्रोडक्ट्स को यूज करने के लिए योगा हो गया तो वो सीखने के लिए अगर कोई आ रहा है आयुष थेरेपीज के लिए तो उसके लिए स्पेशल वीजा आपका दिया जाएगा तो आयुष वीजा कैटेगरी आपकी इंट्रोड्यूस करी जाएगी मोदी जी तो ये आपका चौथा हो गया मोदी जी ऑल्सो अनाउंस लॉन्च ऑफ आयुष एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल तो जैसे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल काउंसिल होती है तो आयुष एक्सपोर्ट प्रमोशन सेटअप करी जाएगी एंड ही तो ये आपका हो गया पांचवा हो गया साथ में ही फोर आयुष इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी इनिशिएटिव विच इंक्लूड्स आयुष इंफॉर्मेशन हब आयुष सॉफ्ट आयुष नेक्स्ट एंड आयुष जी तो ये चार आईसीटी इनिशिएटिव ऑफ आयुष पे भी जो इन्होंने अनाउंस करे आयुष इंफॉर्मेशन हब आयुष सॉफ्ट आयुष नेक्स्ट एंड आयुष जी तो ये भी आपके हो गए आपके साथ में इन्होंने ही ऑल्सो रिलीज अ कॉमिक बुक बाय द नेम ऑफ प्रोफेसर आयुष्मान तो ऐसा प्रोफेसर आयुष्मान में आयुष्मान खुराना के कंटेक्ट में नहीं है बॉलीवुड का एक स्टार है ये तो आयुष्मान ये आपका है प्रोफेसर आयुष्मान तो आयुष्मान वैसे आपका कहता है आयुष्मान भव मतलब यानी कि लंबी आपकी आयु हो आपका सो अगेन ही लेज अ कॉमक बुक विच डिस्क्राइब्स हाउ आयुष सिस्टम्स एंड प्रोडक्ट्स हेल्प इन फाइटिंग नॉट ओनली कोविड नाइनटीन बट ऑल्सो अदर डिजीज क्योंकि कोविड के टाइम पे आयुष के लिए काफी आपका ज्यादा प्रमोशन हुआ था लोग आयुष सिस्टम की तरफ जाने लगे ऑल्डो इस पर डिबेट करा जाता है कि आयुष कितना सक्सेसफुल था क्योंकि लेकिन प्रिवेंटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपका काफी सारी जो ट्रेडिशनल लब्स है कि एटलीस्ट कोविड को फाइट नहीं कर सकता तो प्रिवेंट कर सकता है इम्यूनिटी बूस्ट कर सकता है तो उस कंटेक्ट में ऑल्सो मोदी जी ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड अवॉर्ड टू द विनर्स ऑफ आयुष स्टार्टअप चैलेंज ऑर्गेनाइज बाय इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली में जो है एम्स की लाइन में देशन ऑल्सो इंक्लूडेड साइनिंग ऑफ फाइव एमओ यूज ग्लोबल इंस्टीट्यूशन इन गवर्नमेंट तो एक हुआ था अर्जेंटीना और राष्ट्रीय आयुर्वेदा विद्यापीठ के बीच में आपका एक एमओयू हुआ था साथ में एक एग्रीमेंट साइन करा गया था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड ब्राजील के बीच में कोलैबरेशन के लिए आपका अर्जेंटीना के साथ हो गया ब्राजील के साथ हो गया साथ में कनाडा के साथ भी आपका सेटअप करा गया था यूनिवर्सिटी हेल्थ नेटवर्क ऑफ टोरंटो मेक्सिको के साथ भी आपका एक एग्रीमेंट साइन करा गया था एंड देन एमओयू वॉज साइन बिटवीन एनआईए जयपुर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जो जयपुर में है एंड साथ में आपका फिलीपींस का जो आपका इन द फील्ड ऑफ आयुर्वेदा एंड ट्रेडिशनल तो आपका ये आपसे पूछा जा सकता है कि किस किस कंट्री के साथ एमओ साइन करा गया था इंस्टीट्यूट नाम का कर, याद करने का कोई जरूरत है नहीं क्योंकि आप बहुत कंफ्यूजिंग होगा कि और ना जरूरत है कि इसके बारे में पूछेंगे कि कनाडा का कौन सा इंस्टीट्यूट था तो ये ध्यान रख लीजिए कि आपका ब्राज़ील हो गया अर्जेंटीना हो गया साथ में कनाडा हो गया फिर मेक्सिको हो गया एंड फिलीपींस हो गया तो आप देख सकते हैं कि लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में आपका ब्राज़ील हो गया अर्जेंटीना हो गया आपका मेक्सिको को भी वैसे नॉर्थ अमेरिका में आता है पर लैटिन अमेरिका में आता है क्योंकि मेक्सिकन एक लैटिन आपकी लैंग्वेज है तो मेक्सिको हो गया साथ में कैनेडा भी ऐड कर लीजिए आप आपका नॉर्थ अमेरिका में आ गया और फिर एक फिलीपींस हो गई तो ये अमेरिकन कंट्रीज आपकी होगी साथ साथ में फिलीपींस होगी इनके साइन तो आप देख सकते हैं कि इस फील्ड में बहुत सारे आपके इनिशियटिव आपके लॉन्च करे गए हैं तो एक बार अगर हम रिविजन करें इसकी तो आयुष के अगर कौन कौन से हो गए आपके पहले तो हो गया आयुष पार्क हो गया फिर पार्क के साथ साथ एक आपका मार्क भी हो गया और एक आहार हो गया आयुष पार्क हो गया आयुष मार्क हो गया आयुष आहार हो गया ये फूड आपका हो गया एफ का जो आपकी रेगुलेशन थी या आयुष मार्क हो गया कि आपको डिफाइन करेगा कि आयुष प्रोडक्ट है नहीं है फिर आयुष पार्क के बारे में हमने बात करी थी मोदी जी ने आपकी अनाउंसमेंट करी थी कि 18 बिलियन डॉलर हमारा सेक्टर की वैल्यू हो गई साथ में आयुष्मान की कॉमिक हो गई प्रोफेसर आयुष्मान फिर आपकी हो गई आयुष एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल हो गया तो ये भी आपका दूसरा टाइप का ईपीसी हो गया साथ में आईसीटी के इनिशिएटिव दिए गए थे काफी आपके आयु सॉफ्ट हो गया और भी बहुत सारे इनिशिएटिव हो गए आपके तो ये आपके इनिशिएटिव हो गए आयुष पार्क हो गया आयुष मार्क हो गया आयुष आहार हो गया आयुष्मान कॉमिक हो गया आपका प्रोफेसर आयुष्मान कॉमिक हो गया आयुष एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल हो गया आपका और आईसीटी के इनिशिएटिव्स हो गए आपके आईसी आयु सॉफ्ट वगैरह ये सब आपके हो गए तो ये आप देख सकते हैं कि काफी और साथ में एम साइन करे गए थे तो उसके बारे में भी बात कर लेते कि पांच एम साइन करे थे तो बस ये ध्यान रखना कि अमेरिका ये तो अभी पहला दिन है और भी अगर कुछ डेवलपमेंट्स होंगी तो हम आपको बाद में बता देंगे अमेरिका और प्लस फिलीपीन ध्यान रख लेना और अमेरिका में आपका अगर देखें तो सबसे पहले आपका कनाडा हो गया अमेरिका में यहां नहीं यूएसएन का मतलब मेक्सिको हो गया फिर आपका हो गया ब्राजील एंड अर्जेंटीना आपका हो गया तो ये आपके हो गए तो ये आप देख सकते हैं कि ये आपकी समिट पे ये डेवलपमेंट हुई थी आपकी तो मैंने आपको बताया था गांधीनगर में समिट हुई है ये ध्यान रखना कि जामनगर में आपका सेटअप करा गया था ग्लोबल आपका सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन पर गांधीनगर में समिट हुई थी आपकी यहां पे। तीन दिन की समिट थी और इसके बारे में इसकी इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल के बारे में बता दिया था आयुष मार्क हो गया आयुष पार्क हो गया आयुष आहार हो गया और हाँ आयुष वीजा कैटेगरी ये मैं भूल रहा था एक आयुष वीजा कैटेगरी के बारे में भी मैंने मेंशन करा था आयुष वीजा कैटेगरी आपका हो गया आयुष वीजा कैटेगरी तो ये भी एक ध्यान रख लेना कि ये भी आपका इंट्रोड्यूस करा जाएगा फॉर दोज पीपल हु वॉन्ट टू टेक एडवांटेज ऑफ आयुष थेरेपी स्पेसिफिकली कम टू इंडिया फॉर दिस पर्पज और यूज के बारे में बात कर ली तो हमने न्यूज तो कवर कर ली कि अभी अप्रैल के टाइम पे न्यूज क्या हुई है पर आयुष सेक्टर में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स हुई हैं क्या होता है आयुष सेक्टर क्या क्या पॉइंट्स हैं वो भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं तो अब हम डिस्कस करते हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन के बारे में एक बार कि ट्रेडिशनल सिस्टम हमने बात करी ट्रेडिशनल मेडिसन होता है ट्रेडिशनल सिस्टम होता है तो पहले एक बार न्यूज तो हमने पढ़ ली थोड़ा बहुत मोटा मोटा हमें समझ भी आ गया क्या होता है पर एक बार पढ़ लेते हैं

फिर आपका होता है क्यूरेटिव मेडिसिन प्रिवेंटिव मेजर्स तो हो गए क्यूरेटिव मेडिसिन भी आपका हो गया ट्रेडिशनल सिस्टम के अंदर ऑल्टरनेटिव मेजर्स भी आपके अंदर हो गए वो भी हम डिस्कस करेंगे साथ में सर्जरी हो गई तो ट्रेडिशनल सिस्टम में आपका जैसे शुरू आपका हो गया चार आ, चरक हो गए तो वो भी आपके सर्जरी उस टाइम पे करते थे आपके तो इंडिया में अगर बात करें तो उस टाइम पे भी ट्रेडिशनल टाइम पे भी सर्जरी होती थी फिर आपका हो गया एक हेल्दी लाइफस्टाइल हो गया ये अलग ही सेक्टर हो गया आपका एंड साथ में अगर हम एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन देखें जो इस टाइम पे हम मॉडर्न सिस्टम ऑफ सो सोक मॉडर्न सिस्टम की अगर हम बात करें जो मेडिसन खाते हैं तो वो एलोपैथिक होता है आपका एलोपैथिक वर्सेस ट्रेडिशनल होता है आपका और ट्रेडिशनल के अंदर आपका होम्योपैथी आ जाता है यूनानी आयुर्वेदा ये सब आ जाता है आपका तो मेडिसिन अगर आपका आ गया फिर डायग्नोस्टिक टेक्निक्स हो गई सपोर्टिंग मेजर्स आपके हो गए जैसे आपका स्टेंट्स वगैरह हो गए स्पेशल ट्रीटमेंट टेक्निक्स हो गए एंड सर्जरी हो गया तो ये सब भी इसके अंदर आता है ओवरलैपिंग होता है तो ये ट्रेडिशनल सिस्टम आप, आपका हो गया और ये आपका एलोपैथिक सिस्टम हो गया और बीच में आपका अलग से आ जाता है एलोपैथिक आ जाता है तो अब हम देख लेते एलोपैथिकली डब्ल्यू एच ओ के अकॉर्डिंग ट्रेडिशनल मेडिसिन क्या होता है ऑल्टरनेटिव क्या होता है तो किस टाइप के क्या डब्ल्यू एचओ कहता है तो पहली बात तो ये मैंने आपको बताया था कि डब्ल्यू एच ओ एक्नोलॉज दैट टू थाउजेंड फोर्टीन टू ट्वेंटी थ्री आपका

वो सारे set, जो आपका यूज करते हैं time, maintain, health, prevent, uh, ensure, prevent, तो इसके अंदर भी आपका ट्रीटमेंट भी आता है प्रिवेंशन भी आता है डायग्नोस्टिक भी आता है फिजिकल एज वेल एज इलनेस तो ऐसा नहीं है कि ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम कभी मेंटल इलनेस को रिकॉग्नाइज नहीं करता था उसको भी रिकॉग्नाइज करता था इट्स रीच इनकम

ट करने के लिए ट्रीट डायग्नोस करने के लिए ट्रीट करने के लिए आता है तो ये ध्यान रखना कि ये तीन टर्म डब्ल्यू एच ओ ने अलग अलग यूज करी है तो यानी कि अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ दीज थ्री आर डिफरेंट द टर्म कॉम्प्लीमेंट्री और ऑल्टरनेटिव मेडिसिन रेफर्स टू ब्रॉड सेट ऑफ हेल्थ केयर प्रैक्टिस ट आर नॉट पार्ट ऑफ द कंट्रीज ओन ट्रेडिशन और कन्वेंशनल मेडिसन सिस्टम एंड आर नॉट फुलटीग्रेटेड इन टू द डोमेंट हेल्थ केयर सिस्टम सो पहली बात तो ये ऐसा कोई मेडिसिन सिस्टम कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि आपका ऑल्टरनेटिव हो गया कि ये आपके ना ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम के अंदर आता है ना आपकी कंट्री के इंडिजिनस है और बाहर से आपका एक्सपोर्ट करा गया है और आपका डोमिनेट भी नहीं है तो एलोपैथिक सिस्टम अगर देखा जाए तो आपका बाहर से आपका आया था कोलोनियल टाइम से आया फिर वो आपका प्रेविलेंट हो गया टाइम पे तो लेकिन अभी डोमिनेंट सिस्टम बन चुका है आपका जो एलोपैथिक सिस्टम है आपका जो मॉडर्न सिस्टम ऑफ आपका मेडिसिन है वो बन चुका है आपका पर तो वो कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर नहीं है तो वो बाहर से आया है लेकिन अगर डोमिनेंट है इस टाइम पे दे आर इंटरचेंजेबली विद ट्रेडिशनल मेडिसिन इन सम कंट्रीज तो आपका जैसा अगर मैं इस टाइम पे कॉम्प्लीमेंट्री के बात में इस टाइम पे कहूं होम्योपैथी के टाइम पे होम्योपैथी आपका हो गया यूनानी हो गया तो होम्योपैथी एंड होम्योपैथी आपका ये आया था जर्मनी से आपका आया था यूनान सिस्टम आपका हो गया यूनान से आपका हो गया अरब कंट्रीज के टाइम पे आया है तो अगेन दीज आर आपका बाहर से आया है ये जो आपका होम्योपैथी एंड यूनानी है दीज आर नॉट ये बाहर से आया है पर अगेन इंडिया में बहुत साल पहले आपका काफी इंटीग्रेट कर गया था बट इस टाइम पे आपका मेन स्ट्रीम में नहीं है बट इन स्पाइट ऑफ दैट ये कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन सिस्टम है पर इन स्पाइट ऑफ दैट नाउ दे आर रिकॉग्नाइज एज अ पार्ट ऑफ द कल्चर तो आयुष सिस्टम की अगर हम बात करें तो आपका यू फॉर यूनानी आ जाता है एच फॉर हो, आपका होम्योपैथी आ जाता है तो अगेन नाउ दे आर अ पार्ट ऑफ द कल्चर बट अगेन दे आर नॉट द डोमिनेंट पर इंडिया में इनको कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन सिस्टम में नहीं माना जाता बट इंडिया में इसको आपका ये माना जाता है कि ये आयुष के साथ आपका आयुर्वेदा सिस्टम योगा सिस्टम के साथ ही आपका यूज करा जाता है और हर्बल मेडिसिन आपका हो गया तो कॉम्प्लीमेंट्री एंड ऑल्टरनेटिव सिस्टम मैंने आपको बता दिया ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम बता दिया एंड कॉम्प्लीमेंटी और alternative. तो कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम और alternative system आपका एक ही बात है आपका. So, ये भी हो गया या फिर alternative हो गया तो ये दूसरी कैटेगरी गई आपकी एंड लाइक मेडिसिन इन सम कंट्रीज आपका। हर्बल मेडिसिन इंक्लूड्स हर्ब्स हर्बल मटेरियल्स, हर्बल प्रिपरेशंस एंड फिनिश्ड हर्बल प्रोडक्ट्स अलग से डील मेडिसन होगी प्लांट से based है, तो उनको यूज करता है आपका तो ट्रेडिशनल मेडिसन सिस्टम हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम हो गया एंड हर्बल मेडिसन हो गया तो डब्ल्यू एच ओ ने यहां पर डिफ्रेंशिएट करा आपका फर्स्ट इज ट्रेडिशनल सेकेंड इज कॉम्प्लीमेंट्री एंड ऑल्टरनेट थर्ड इज हर्बल तो यह प्रिलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि ये तीनों चीजें कैटेगरी डिफरेंट है आपकी अब ग्लोबल यूसेज की बात करें ये भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है मेंस में भी इसको आप यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ एस्टिमेट डब्ल्यूच ये कह रहे हैं एट्टी परसेंट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन यूजेस ट्रेडिशनल मेडिसिन तो हमें लगता होगा कि यार ट्रेडिशनल मेडिसिन काफी इरेवेंट है बहुत कम यूसेज है पर डब्लू एच ओ के अकॉर्डिंग एटी परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन यूजेस सम काइंड ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन हो सकता है यूसेज कितनी कम हो ज्यादा हो वो और बात है बट एट्टी परसेंट पॉपुलेशन यूज करती है इट सेज दैट वन सेवेंटी ऑफ इट्स वन नाइनटी फोर में स्टेट्स Have the use of तो आप देख सकते हैं कि डोमिनेंट नंबर आपका जैसे ट्रेडिशनल मेडिसिन के बारे में बात करते हैं इंडिया में हम बात करते हैं वर्ल्ड तो पॉपुलेशन है. भाई अगर ये मैंने स्टेटमेंट ना पढ़ी होती तो मैं अगर प्रलिम्स में ऐसा क्वेश्चन आता मैं तो इसको पक्का रॉन्ग करता की एट्टी यूज नहीं करते मुझे ऐसा लग रहा था पर एटी ऑफ द पॉपुलशन डू यूज इट बट इसके WHO के के अकॉर्डिंग काफी चैलेंजेस चैलेंजेस हैं अगर अगर केस में क्वेश्चन आए जैसे नेशनल हेल्थ सिस्टम एंड स्ट्रैटेजीज हैं तो वो ट्रेडिशनल मेडिसिन को फुल इंटीग्रेट नहीं करते उसके लिए पूरे कोर्सेस नहीं है हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, ये एक चैलेंज है साथ में डब्ल्यू एच ऑल्सो स्ट्रेस द नीड टू कंजर्व बायोडावर्सिटी कि भाई आयुष सिस्टम हो गया आयुर्वेदा हो गया ट्रेडिशनल मेडिसिन है तो वो आपके प्लांट बेस्ड है आपको तो उसके लिए तो यूज करना होगा लेकिन हो सकता है उसके चक्कर में बायोडाइवर्सिटी एक्सप्लॉरिटेशन हो जाए सो डब्ल्यूएच नीड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबिलिटी एज फोर्टी परसेंट ऑफ अप्रूव फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट टू डे डिराइव फ्रॉम नेचुरल सब्सटांसिस तो बायोडाइवर्सिटी को भी ध्यान रखना है कि मेडिसिन को आपका अगर यूज करना है यूसेज इंक्रीज करनी है पर बायोडाइवर्सिटी का भी ध्यान रखना है अपॉर्चुनिटीज लेकिन यह है कि काफी ज्यादा ऑपरचुनिटीज भी आपकी हो रही हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नाउ यूज्ड टू मैप एविडेंस एंड ट्रेंड्स इन ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड आल्सो ट्रेडिशनल मेडिसिन इज बीइंग यूज्ड एक्सटेंसिवली अपडेटेड बाय मोबाइल एप्स ऑनलाइन क्लासेस एंड अदर टेक्नोलॉजीज तो ट्रेडिशनल मेडिसिन का यूज आपका टेक्नोलॉजी से भी बढ़ रहा है तो डब्ल्यू एच ए अकॉर्डिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया वो यूसेज ट्रैक करने के लिए यूज हो सकता है या फिर ऑनलाइन आपका टेलीमेडिसिन को भी यूज के कंटेक्ट में जैसे इंडिया की ई संजीवनी है आपकी टेलीमेडिसिन फैसिलिटी तो ये आपकी टेलीमेडिसिन मेडिसिन तो ये आपके काफी सारे सिस्टम्स आपके हैं जो ट्रेडिशनल मेडिसिन के कंटेक्स में तो फ्रेंड्स हमने तीन टॉपिक डिस्कस कर लिए जीसीटीएम आपका हो गया जैसे जामनगर में दूसरा हो गया मैंने आपका समिट हो गई आयुष समिट हो गई वो आपकी गांधीनगर में हो गई तीसरा ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम ट्रेडिशनल मेडिसिन कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन एंड हर्बल मेडिसिन उनके बारे में तीनों के बारे में अलग अलग मीनिंग आपके पढ़ लिए साथ में उसकी यूसेज के बारे में कि 170 सेवेंटी आउट ऑफ वन नाइन्टी फोर कंट्रीज एंड एटी परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन आपकी वर्ल्ड पॉपुलेशन यूजेज इट उसके बारे में पढ़ लिया चैलेंजेस अपर्चुनिटीज अब हम आते हैं ये तो हमने ट्रेडिशनल मेडिसिन ओवरऑल ग्लोबल सिनेरियो में देख लिया कि डेफिनेशन क्या है यूसेज क्या है अब हम इंडिया आते हैं और इंडिया में जो ट्रेडिशनल मेडिसिन का सिस्टम है उसे हम आयुष कहते हैं तो ये इंडिया का ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है इसके बारे में देख लेते हैं वैसे तो आयुष जो एक्रोनियम था था वो आपका काौन, काौन, वो आपका काउंट यूज करा गया था आपका आयुर्वेदा योगा यूनानी युना, आपका सिद्धा हो गया एंड होम्योपैथी हो गया पर साथ में अभी अभी आपका हो गया हो गया आपका तो और भी आपके काफी सारे मेडिसिन सिस्टम है ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है तो सोवरिका को भी आपको एक्नोलेज करा गया है आपका तो इस चक्कर में आपके अब देखा जाएगा लगेगा कि ये आपका इंक्लूडेड था नहीं था तो अब यानी कि इनफैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का भी जो पहले था आयुर्वेदा आपका योगा ये पूरा नाम था अब वो सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ही यूज करते हैं फुल फॉर्म यूज नहीं करते अब सिर्फ एक्रोनियम यूज करते हैं इसमें इन पांचों के अलावा और भी ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम इंक्लूड करे जाते हैं तो अब हम पहले लेकिन जो भी ट्रेडिशनल जो मेजर ट्रेडिशनल आपके मेडिसिन सिस्टम है इंडिया के उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या है क्या उनके फीचर्स हैं बेसिक फीचर्स हैं ये के लिए इंपॉर्टेंट है इस पर क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि आयुष पे बहुत ज्यादा फोकस है सो आयुष मीन आपका लाइफ एंड वेदा मीन्स साइंस तो आयुर्वेदा मीन्स ऑफ लाइफ आपका जैसा हम कहते हैं ना आयुष्मान प्रोफेसर आयुष्मान की भी बात करी थी आयुष्मान भव आपका इंडियन ट्रेडिशन में कहते हैं तो वो आपका होता है लॉन्ग लाइफ अनलाइक अदर मेडिसिनल सिस्टम इट फोकस मोर ऑन हेल्दी लिविंग

वाटर हो गया आपका अर्थ मतलब आपका सॉइल हो गया वाटर हो गया फायर हो गया एयर हो गया एंड वैक्यूम एथर तो लैंड वाटर फायर एयर तो फायर भी आपका ऐसा है लैंड वाटर फायर एयर एंड वैक्यूम आयुर्वेदा इज प्रैक्टिस वाइडली अक्रॉस द कंट्री तो ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर रीजन में कन्फाइंड है आपका तो आयुर्वेदा आयुर्वेद ऑल ओवर द इंडिया आपका फाउंड करा जाता है कुछ जगह पे कम है कुछ जगह पे ज्यादा है पर आयुर्वेदा की रीच काफी ज्यादा है आपकी योगा योगा तो सिर्फ इंडिया में ही नहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड आपका ज्यादा पूरा मिला जाता है इसके जो इनिशिएटिव्स हैं उसके बारे में मैं बात करूंगा सो so, योगा इज वन ऑफ ऑफ द सिक्स सिस्टम्स वैदिक योगी इनफैक्ट योगा तो एक जो वैदिक सिस्टम ऑफ फिलोसफी अगर हम जनरल स्टडीज पेपर फोर में आपका एथिक्स का टॉपिक है तो उसके अंदर का फिलोसफी के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें योगा सिस्टम भी आपका है एक कुछ नास्तिक स्कूल है कुछ आस्तिक स्कूल है तो योगा भी एक आपका वैदिक फिलोसॉफी के अंदर स्कूल है जो महर्षि पतंजलि है आपके राइटली कॉल्ड द फादर ऑफ योगा तो पतांजलि फादर ऑफ योगा कहा जाता है धनवंतरी आपके आयुर्वेदा के पतंजलिंग योगा अस्टांग मीन एट फॉर ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींगजलि ने आपके आर्ट स्कूल ऑफ एट फोल्ड पार्थ ऑफ योगा के बारे में बात करी थी और उसको कहा था अष्टांग योगा तो ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन करते हैं योगा के बारे में तो उसमें बहुत सारे के बारे में बात करते हैं, बहुत सारे पोस्टर्स होते हैं आपके, तो वो आपके सिर्फ एक योगा का सिर्फ एक पार्ट है एट पार्ट है so, योगा के आठ पार्ट बताए थे एट फोल्ड पार्ट ऑफ योगा अष्टांग योगा जैसे कहते हैं तो उसके अंदर है यम जैसे मैंने बताया योगा इज अकूल ऑफ फिलोसॉफी वन ऑफ द सिक्स सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसॉफी वेदिक फिलोसॉफी है तो योगा के अंदर उन छह स्कूल ऑफ फिलोसफी में से योगा एक है और योगा के भी आठ कंपोनेंट्स हैं जैसे होगा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहारा धारणा ध्यान एंड समाधि तो ये आपके आठ कंपोनेंट्स है तो ये ध्यान रख लेना कि इन आठ कंपोनेंट्स के क्योंकि योगा पे कभी भी क्वेश्चन आ सकता है यम नियम आसन प्राणायाम तो ये आप सोचते होंगे कि आसन और प्राणायाम ही आपका योगा है पर योगा इज मोर देन दैट इट आल्सो इंक्लूड यम नियम प्रत्याहारा धारणा ध्यान समाधि दीज कंपोनेंट्स एडवोकेट सर्टेन रिस्ट्रेंट्स एंड ऑब्जर्वेंसेस फिजिकल डिसिप्लिन ब्रेथ रेगुलेशन रिस्ट्रेनिंग द सेंस ऑर्गन्स कंटेम्पलेशन मेडिटेशन एंड आपका समाधि तो आपका अगर हम बात करें कि सर्टेन एन आपका हो गया यम नियम आपका हो गया तो यम आपका हो गया रिस्ट्रेंट एंड ऑब्जर्वेंसेस नियम आपका हो गया फिजिकल डिसिप्लिन ये आपका हो गया फिर आसन प्राणाया प्राणायाम आपका हो गया ब्रेथ रेगुलेशन हो गया प्रत्यहारा हो गया आपका रिस्ट्रेनिंग द सेंस ऑर्गन आपका फिर धारणा आपका हो गया कंटेम्पलेशन ध्यान आपका मेडिटेशन एंड आपका समाधि आपका समाधि हो गया आपका तो ये आपका योगा के सिस्टम्स हो गया आपके योगा इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है उसके बारे में थोड़ी देर में आपको बताऊंगा जो भी इनिशियेटिव है पहले हम सिस्टम के बारे में समझ लेते हैं फिर हम इन सब के बारे में भी पढ़ेंगे कि क्या क्या इनिशियेटिव लिए हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय द अरब एंडियंस आपका तो ये अगेन आपके अरब पर्शियन गल्फ के टाइम पे वहां से आपका यूनान से आपका आया था द बेसिक थ्योरी ऑफ यूनानी सिस्टम इज बेस्ड अपॉन द वेल नोन फोर ह्यूमर थ्योरी ऑफ आपका हिपोक्रेट आपका हिपोक्रेटिस जो आपका था उसने फोर ह्यूमर आपका हमर कहते हैं या फिर ह्यूमर कहते हैं आपका उसने ये थ्योरी गई थी तो अगेन उसने भी कहा था कि बॉडी के अंदर फोर ह्यूमर्स आपके है, वो हैं वो है ब्लड फ्लेग्म, येलो बाइल एंड ब्लैक बाइल तो अगेन ये ध्यान रखना कि जैसे आयुर्वेदा सिस्टम है तो उसमें मैंने बताया था कि पांच कंपोनेंट्स के बारे में आपके बात करता है तो वो मैंने आपको बताया था कि अर्थ हो गया वाटर हो गया फायर हो गया एयर हो गया वैक्यूम हो गया तो अगेन यूनानी में अगर बात करें तो ये फोर आपके बात करता है ह्यूमर्स के बारे में ब्लड फ्लेग्म येलो बाइल एंड ब्लैक बाइल तो इन चार कंपोनेंट्स के बारे में आपका बात करता है आपका ब्लड फ्लेग्म येलो बाइल एंड ब्लैक बाइल आपका तो ये आपका यूनानी सिस्टम हो गया अब हम सिद्धा के बारे में बात करते हैं सिद्धा मीन्स अचीवमेंट्स कि बहुत सिद्ध है इंसान या फिर प्रसिद्ध है प्रसिद्ध वो फेमस भी हो गया आपका तो एंड सिद्ध मीन अचीवमेंट एंड सिद्धार्सर मीन तो so, तमिलनाडु एरिया में साथ में थोड़ा बहुत केरला में भी प्रैक्टिस करा जाता है पर तमिलनाडु एरिया में ज्यादा स्पेसिफिक है और यह भी आयुर्वेदा के हिसाब से ही चलता है आपका आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग हिसाब से नहीं मतलब सॉरी बट आयुर्वेदा सिस्टम के ही जैसे प्रिंसिपल है उसी तरीके से एसी के प्रिंसिपल्स हैं अगेन तो ये सिद्धा सिस्टम के आपका है इसमें बस ये ध्यान रखना कि ये मेन तमिलनाडु रीजन में है वहां पे ये आयुर्वेदा के रिलेटेड आपका फंक्शन करता है है अब हम आता सोमा पे जैसे आमची सिस्टम भी कहा, कहा जाता है तो सोवरिकपा अगेन ये हिमालयन सिस्टम में प्रैक्टिस करा जाता है जैसे ले लद्दाख हो गया और सिक्किम अरुणाचल प्रदेश दार्जिलिंग लहुलिन सिप्ती आपका स्पीति हो गया आपका लाहौल एंड स्पीति आपका वैली हो गया तो वहां पे आपका करा जाता है ले लद्दाख जो आपके हिमाचल आपका सिक्किम अरुणाचल प्रदेश उस एरिया में आपका प्रैक्टिस करा जाता है इट ड्रॉस फंडामेंटल फ्रॉम बोथ आयुर्वेदा एंड ट्रेडिशनल चाइनीस मेडिसिन तो मैंने आपको बताया बेटा कि इंडियन आपका ट्रेडिशनल मेडिसिन आपका हिमालयन सिस्टम में आपका पालमपुर में आपका एक लोकेटेड है आपका जिसने ताइवान के साथ आपका चाइनीस मेडिसिन में कोलैबोरेशन करने की बात कर दी तो सोवार सिस्टम के कंटेक्स में था आपका सो so अगेन ये आयुर्वेदा और ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम दोनों से इन्फ्लुएंस हुआ दोनों को मिक्स करके ये आपका सोवरिक्पा बना है तो ये ध्यान रखना अगर क्वेश्चन है कि वेदर सोवर इक्पा इज अ पार्ट ऑफ आयुष सिस्टम और, और नॉट तो आपका आई थिंक 2018 के आसपास इसको ऑफिशियली इंक्लूड कर लिया गया था सोवरिक्पा को अंडर द सिस्टम तो सोवारा आप ध्यान रखना है इसका अब हम आते हैं नेचुरोपैथी पे नेचुरोपैथी सिंपल है इट फोकसेज ऑन नेचुरल क्योर्स सच एज हर्बल मेडिसिन मसाज एंड डाइट ऑफ रॉ फूड तो ये तो यही कहते हैं कि पहली बात तो ये आप रॉ फूड खाइए प्रोसेस फूड मत खाइए दूसरी बात ये बॉडी को भी आराम दीजिए मसाजेस होने चाहिए आपके तो वो है एंड साथ में अगर आपका अगर इन केस अगर आपकी डिसीज हो जाती है इनस्पाइट ऑफ हैविंग ऑल द रॉ फूड एंड आपका मसाज आपका बॉडी मसाजेस जो होते हैं आपके उसके बाद हर्बल मेडिसिन लीजिए जो हर्बल मेडिसिन हमने डब्ल्यू में बात करी थी ट्रेडिशनल फिर आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंड ऑल्टरनेटिव एंड आपका हर्बल मेडिसिन तो ये आपका नेचुरोपैथी के अंदर आ जाता है आपका फिर हम आता है होम्योपैथी होम्योपैथी सबसे सिंपल है आसान आपने देखी होंगी कुछ पे डब्बे से होते हैं उसके अंदर आपकी वाइट ऐसे छोटी छोटी सी बॉल्स होती हैं आपकी मेडिसिन होती हैं तो वो होम्योपैथी होती है उसके ऊपर आपका वुड का कॉर्क होता है आपका तो उससे क्लोज करा जाता है तो उस तरीके की ट्रांसपेरेंट बॉटल जो होती है होम्योपैथी की छोटी छोटी वाइट बॉल्स होती हैं वो होम्योपैथी की मेडिसिन होती है सो इट इज अ सिंगल सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन विच प्रैक्टिशनर्स फोकस टोटली ऑन द एप्लीकेशन ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन इट इज एन ऑल्टरनेटिव मेडिकल सिस्टम दैट वॉज डेवलप्ड इन सेवनटीन नाइन सिक्स बाय्यूअल इन जर्मनी आपका तो ये जर्मनी में ओरिजिनेट हुआ था 1796 में, आपका 18 में। तो अगर इंडिया जर्मनी रिलेशंस के बारे में बात करें तो कह देना कि भाई होम्योपैथी इज द बहुत पहले का कनेक्ट है आपका सेम्यूएल -E है जर्मनी में आपके थे तो उन्होंने डेवलप करा था नेम होम्योपैथी इज डराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फॉर सिमिलर सफरिंग रेफरिंग टू द लाइक क्योर्स लाइक प्रिंसिपल ऑफ हीलिंग आपका प्रिंसिपल आपका होता है लाइक क्योर्स लाइक तो ये होम्योपैथी का प्रिंसिपल है आपका विच मीन ऑल्सो सिमिलर सफरिंग आपका तो so, ये आपका ध्यान रखना जर्मनी में डेवलप करता सेम्यूएल हेनमेन में आपका सेवनटीन नाइनटी सिक्स में आपका

ट्रीटमेंट आपकी कस्टमाइज करी जाएगी बट इसका क्रिटिसिज्म कहा जाता है कि इसका बहुत कम एविडेंस है कि होम्योपैथी आपकी काफी इफेक्टिव है इनफैक्ट कहा जाता है कि इट्स जस्ट द तो यानी कि लोगों को जो क्रिटिक्स कहते हैं अगेन कुछ लोग कहते हैं कि इन इफेक्टिव है सिर्फ लोगों को एश्योरेंस देने के लिए प्लेसबो का मतलब होता है कि अगेन इसका वैसे तो इफेक्ट नहीं होता पर लोगों को कंफ्यूज करने के लिए करा जाता है कि देखो तुम ठीक हो रहे हो तो ये होम्योपैथी का आपका क्रिटिसिज्म भी है लेकिन आयुष सिस्टम के अंदर होम्योपैथी को जो एच है दैट स्टैंड फॉर होम्योपैथी तो उसको रिकोगनाइज करा गया है तो काफी सारे इंस्टीट्यूशन भी आपके जैसे सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल फॉर होम्योपैथी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी है इट इज एफिलेटेड टू द वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज तो आपके वेस्ट बंगाल एरिया में आपका होम्योपैथी को आपका फिर भी काफी माना जाता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी तो ये ध्यान रख लेना ये आपकी बॉडीज हैं जिसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी आपका वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड है अब हम बात करते हैं कि रिसेंटली अभी क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पिछले पास्ट एक दो साल के अंदर तो उसके बारे में बात कर लेते हैं ये अभी हमने बात कर ली कि रिसेंट इनिशिएटिव जीसीटीएम आपके बारे में बात कर ली फिर हमने बात कर ली आपका जो आपकी समिट हुई है

एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम पहली बात तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है नॉट सेंट्रल सेक्टर स्कीम स्टेट और सेंटर दोनों से स्पॉन्सर करते हैं कि दो हजार इक्कीस से लेकर दो के स्टार्टिंग तक आपको अप्रूव कर दिया है विद फाइनेंशियल इंप्लीकेशन ऑफ फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड करोड़ एज सेंट्रल शेयर तो उसमें से तीन हजार आपका सेंट्रल शेयर है सोलह सौ करोड़ आपका स्टेट शेयर है बस ये ध्यान रखना सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है आपका जो आपका करा गया था, वो आपका 2014 में लॉन्च करा गया था आपका, के महीने में आपका और ये अभी आपका, आपका दो हजार आपका पिछले साल ही करा था इसके आउटकम्स क्या हैं क्या इसके ऑब्जेक्टिव हैं क्या एक्सपेक्टेड आउटकम्स है मेन यही है कि हेल्थ एजुकेशन आस्पेक्ट पे अगर देखा जाए तो आयुष सिस्टम का जो मेडिसिन सिस्टम है वो सारे हेल्थ के जो सेंटर्स है उस पर वहां पे अवेलेबल हो यानी कि अगर किसी इंसान को आयुष रिलेटेड आयुर्वेदा आपकी सर्विसेज चाहिए होम्योपैथिक चाहिए तो आपका प्राइमरी सेंटर हो टर्सरी सेंटर हो या फिर आपका सेकेंडरी सेंटर हो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर हो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हो या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो हर जगह पे आयुष हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज होनी चाहिए आपकी साथ में आपकी आयुष रिलेटेड जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं आपके वो भी आपकी स्ट्रेंथन करनी चाहिए एट द स्टेट लेवल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज होनी चाहिए उसकी यूनिवर्सिटी सेटअप करनी चाहिए यह भी इसका मिशन है साथ में इट ऑल्सो इन्वॉल्व सपोर्टिंग कल्टिवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स बाय अडेप्टिंग गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस तो एक हो गया आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना दूसरा एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना तीसरा मेडिसिनल प्लांट्स को ग्रो करना सो एज टू प्रोवाइड सस्टेन सप्लाई ऑफ क्वालिटी रॉ मटेरियल फॉर आपका एग्रीकल्चरल के लिए आपका जो रिसर्च के लिए आपका होता है एंड अगेन गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस करनी होगी एंड इट ऑल्सो सपोर्ट सेटिंग अप ऑफ ऑफ क्लस्टर्स थ्रू कन्वर्जेंस सेल्टिवेशन वेयर हाउसिंग वैल्यू एडिशन मार्केटिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑनप्रोनर्स आपका तो ये भी इसका ऑब्जेक्टिव है आपका तो ये हो गया नेशनल आयुष मिशन ये आपको ध्यान रखना है कि 2014 में स्टार्ट करा गया था 2014 में आपका एंड अभी 2021 में एक्सटेंड कर दिया गया है टिल 2026 आपका एंड इट हैज फोर कंपोनेंट्स आपका हो गया रिसर्च हेल्थ एजुकेशन एंड साथ में आपका ट्रेडिशनल मेडिसिन हो गया आपका ट्रेडिशनल प्लांट्स उनको ग्रो करना है तो ये भी इसका ऑब्जेक्टिव है ट्रेडिशनल प्लांट्स पे फोकस करना ये नेशनल आयुष मिशन का भी फोकस है

एंड इसे सेलिब्रेट करा जाता है एज एनवंतरी जयंती आपका धनवंतरी जयंती आपका सेलिब्रेट करा जाता है धनवंतरी इज कंसिडर्ड एज डिवाइन प्रोपोकेटर ऑफ आयुर्वेदा तो आयुष सिस्टम के अंदर हमने आयुर्वेदा के बारे में भी बात करी थी योगा के बारे में भी बात करी थी तो योगा आपका पतांजलि जो आपका माना जाता है महर्षि पतंजलि उनको फादर ऑफ योगा माना जाता है एंड आयुर्वेदा के जो आपका फादर माना जाता है वो है लॉर्ड धनवंतरी ऑफ ग्रांटिंग हेल्थ एंड वेल्थ धनवंतरी जयंती तो धनवंतरी जयंती को ही आपका आयुर्वेदा डे आपका सेलिब्रेट करा जाता है आपका। आपका है। ने नहीं, ये करता है नॉट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड ये हर साल आपका आयुर्वेदा डे पे आपका कन्फेयर करा जाता है इंडियन मेडिकल काउंसिल आपका जो है आपका एक्ट के अंदर आपका फिर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है ये आपका एम्स की लाइन पे आपका सेटअप करा गया था एंड इन न्यू डेली इट इज द एपेक्स इंस्टीट्यूट आपका इट इज द फर्स्ट मेडिकल इंस्टीट्यूट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष टू होल्ड द स्टेटस ऑफ एन ए बी एच एग्रेडेशन आपका एन ए बी एच का जो एग्रेडेशन है उसको मिला जाता है आपका अंडर ये पहला इंस्टीट्यूट है आयुष मिनिस्ट्री के अंदर जिसको एन का एग्रेडेशन मिला गया है अगेन ऑब्जेक्टिव वही टू इंश्योर सिनर्जी बिटवीन द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ आयुर्वेदा एंड डायग्नोस्टिक टूल्स आपका तो आयुर्वेदा को मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन में आपका इंटीग्रेट करने के लिए और न्यू डेली बेस्ड है आपका ये भी आपका मोदी गवर्नमेंट ने आके ही आपका सेटअप करा था आपका फिर आता है एक कोर्स के बारे में बैचलर ऑफ सोवार सर्जरी बी एस आर एम एस

तो इससे पहले क्या था ओनली टू डीम टू बी यूनिवर्सिटीज नेमली सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्ध स्टडीज इन ले सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्ध स्टडीज इन ले एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिबेतन स्टडीज लोकेटेड इन सारनाथ तो ये ध्यान रखना कि स्टडीज है वो आपका ले में है एंड जो तिब्बतन स्टडीज का जो सेंटर है वो सारनाथ में लोकेटेड है तो अगेन यही सिर्फ आपका मेडिसिन के बारे में आपका डिग्री आपका प्रोवाइड कर रहे थे विद यूजीसी रिकॉग्नेशन एनी यूनिवर्सिटी कैन ऑफर बी एस आर एम एस डिग्री तो अगेन इस पे क्वेश्चन है कि वेदर दिस डिग्री कैन बी ऑफर्ड बाय दीज टू इंस्टीट्यूट ओनली सो द करेक्ट आंसर इज नो अगेन दीज नाउ कैन बी रेड बाय एनी अदर यूनिवर्सिटी आपका बैचलर ऑफ आपका हिमालयन सिस्टम में आपका आता है और यह भी आयुष सिस्टम के अंदर रिकोगनाइज करा गया है नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सोवारा इट वॉज अपग्रेटेड टू नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सोवार टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवार इन ले विद द अप्रूवल ऑफ कैबिनेट इन तो थाउजेंड पे सिर्फ नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवर अपग्रेड कर दिया था आपका तो ये आपका लेह में लोकेटेड आपका फिर साथ में आपको बताया था कि नेशनल आयुष मिशन का फोकस ये है कि ट्रेडिशनल मेडिसिनल प्लांट है उनको भी ग्रो करना है आपका तो प्रधानमंत्री वृक्ष आयुष योजना जो वृक्ष आयुष योजना है वृक्ष आपका हो गया यानी कि पेड़ हो गया आयुष आपका हो गया आयुष सिस्टम तो प्रधानमंत्री वृक्ष आयुष योजना है दैट वॉज अनाउंस्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर इन टू सो उसके बाद फॉर द कल्टिवेशन एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स विद बजट फोर थाउजेंड करोड़ तो यह ध्यान रखना कि प्रधानमंत्री वृक्ष आयुष योजना यह आपकी अनाउंस करी थी 2020 में आपकी साथ में आयुष प्रैक्टिशनर्स को हैं सो so, आयुष प्रैक्टिशनर्स को इंक्लूड कर दिया है इन डब्ल्यू एच डॉक्टर्स पॉपुलेशन रेशियो आयुष रजिस्टर्ड मेडिसिनल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैव बीन इंक्लूडेड इन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स डेटा थर्स इंप्रूविंग डब्ल्यू डॉक्टर्स पॉपुलेशन रेशियो तो यानी कि डॉक्टर्स की जो लिस्ट में है अभी हमारे ऊपर यहाँ पे क्रिटिसिज्म करा जाता है कि इंडिया में डॉक्टर्स टू पेशेंट रेशियो जो आपका होता है वो काफी आपका कम होता है तो उसको इंप्रूव करने के लिए डॉक्टर्स के अंदर आयुष डॉक्टर्स को भी इंक्लूड कर दिया गया सो so दैट हमारा डेटा जो है वो इंप्रूव हो गया तो आयुष डॉक्टर्स को भी नॉर्मल डॉक्टर्स के अगेन दीज आर ऑल्सो नॉर्मल डॉक्टर्स बट डब्ल्यू एच ओ की लिस्ट के लिए भी भीफाई करने के लिए भी आयुष के डॉक्टर्स को नॉर्मल डॉक्टर्स जो बाकी सारे आपके एलोपैथी के डॉक्टर्स है नॉर्मल सॉरी टू से एलोपैथी के जो डॉक्टर्स हैं उसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया है डब्ल्यू एच ओ लिस्ट आपका साथ में स्टैब्लिशमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस की बात करें द इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इन आपका आयुर्वेदा आई टी आर दिस विल एक्ट एज एन इंटेर फॉरगर का है आयुर्वेदा एक्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी कन्फर्ट दीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस टू द इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग रिसर्च इन आयुर्वेदा एट जामनगर बाय द फोर कॉन्ग्लुमेरेटिंग एट गुजरात आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी कैंपस जामनगर तो 2020 से पहले आयुर्वेदा बेस्ड आपके चार हजार थे जो गुजरात आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी के अंदर आपके इंक्लूड थे उनको मिक्स करके आपके एक इंस्टीट्यूट बनाया गया इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा आयुर्वेदी इसको इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस आपका डिक्लेयर करा गया 2020 में बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और इसी सेंटर पे अगर हम इस टाइम पे आई के बारे में बात करें तो पहली बात तो इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा कहां पे है जामनगर में स्टेटस क्या है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस 2020 के एक्ट से जो मिला था और तीसरा क्या है जीसी का जो इंटेरियम आपका सेंटर है वो भी आपका आईटीआरए पे लोकेटेड है आपका साथ में स्टेटस ऑफ डीम टू बी यूनिवर्सिटी और एनआईए जयपुर मैंने आपके बारे में बताया इसको बारे में बताया था कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर आपका जो है ट हेज बीन डिक्लेयर एज एन इंस्टीट्यूशन डीम टू बी यूनिवर्सिटी अंडर डीनोव कैटेगरी एंड यह आपका इंस्टीट्यूट डेडिकेट करा गया था आपका दो हजार बीस में तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है वो जयपुर में है आपका आई टी आर ए जो है आपका इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा वो जामनगर में है तो जामनगर और जयपुर जामनगर आपका गुजरात में है जयपुर आपका राजस्थान में दोनों में कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि कौन सा कहां पर लोकेटेड है आपका ये आपका हो गया आई यू सिक्सटी फोर के बारे में भी बात कर लेते हैं इट इज अयुर्वेदिक फॉर्मेशन डेवलप्ड बाय द सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस कोरोना वायरस के टाइम में आया तो आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है जो सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च एन आयुर्वेदिक साइंसिस ने डेवलप करा था तो वैसे तो यह डेवलप करा था नाइनटीन एट्टी में फॉर मलेरिया मैनेजमेंट तो ध्यान रखना है कि मलेरिया के लिए डेवलप करा गया था नाइनटीन एटीज में तो नई फॉर्मुलेशन नहीं है बट अगेन कोविड के टाइम पे जब मेडिसिन की शॉर्टेज हो रही थी तो लगा कि आयुष की भी ट्राई कर सकते हैं और आयुष सेक्टर को भी देखते हैं कि कितना इफेक्टिव रहता है तो अगेन इस मेडिसिन को आयु सिक्सटी को थोड़ा रीपर्प करा गया था थोड़ा सा चेंज करे गए थे कि मलेरिया के साथ साथ क्या ये कोविड को भी एक्ट कर सकता है तो ये आयु सिक्सटी है आपका अब हम बात करते हैं गुडुची के बारे में तो कुछ सेफ्टी कंसर्न्स इशू करे गए थे गुडुची के बारे में जिसका साइंटिफिक नाम है टेनोस्पोरा कॉडिफोलिया गुडुची का साइंटिफिक नेम है तिनोसपोरा सो अगेन कुछ कंसर्न रेस करे गए थे कि इसके कुछ नेगेटिव इंपैक्ट हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने क्लैरिफाई करा था कि इसके कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है इनफैक्ट इससे जो मिलते जुलते जो और हैं आपके तिनोसपोरा क्रिस्पा वो हार्मफुल हो सकता है तो इसका साइंटिफिक नेम ध्यान रखना गुडुची का साइंटिफिक नेम है तिनोस्पोरा कॉडिफोलिया एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम तिनोस्पोरा क्रिस्पा गुडुची इज अ फेमिलियर आपका पॉपुलर हर्ब है आपका फेमिलियर एज गिलॉय तो गुडुची को गिलोय भी कहते हैं एंड इज बीइंग यूज्ड इन थेरेपीज आयुष इन सिस्टम की थेरेपी में बहुत टाइम से तो अगेन इसके काफी सारे इसके बेनिफिट्स इसके कहे जाए हैं इसके फीचर्स के यहाँ अगर गुडुची के अगर हम बात करें जिसको गिलोय भी कहते हैं और साइंटिफिक नेम है तिनोसपोरा कॉडिफोलिया विच इज डिफरेंट फ्रॉम तिन क्रिस्पा तो इसकी जो स्टेम है इट इज ग्रीन इन कलर नॉट हैविंग स्मॉल राउंडेड प्रोजेक्शंस, नो मिल्की मिल्कि्रिएशन इसकी लीज जो है हार्ट शेप की है विद ग्रूवी नॉट एट द बेस पेटल्स इसके इन नंबर है एंड द ब्रंच ऑफ फ्रूट इज पेरिकल और बॉल शेप्ड फिर हम बात कर लेते हैं प्रोटोकॉल फॉर साइको सोशल रिहेबिलिटेशन ऑफ कोविड पेशेंट ये आपका डेवलप करा गया था कोविड पेशेंट्स की साइको सोशल रिहेबिलिटेशन के लिए साइको सोशल मतलब मेंटल एज वेल एज सोशल रिहेबिलिटेशन के लिए तो यह जो आपका प्रोटोकॉल डेवलप करा गया था यह निमहांस तो है ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस साइंस बेंगलोर वाला साथ में आपका सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योगा एंड नेचुरोपैथी तो इसने भी एन ऑटोमस बॉडी ऑफ आपका मिनिस्ट्री ऑफ आयुष तो निमहांस ने सी सी आर वाई एन सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योग एंड नेचुरोपैथी उसके साथ इन्होंने कोलैबोरेट करा था एंड अपार्ट फ्रॉम स्वामी विवेकानंद योगा अनुसंधान संस्थान आपका साथ में आयुष की ग्रोइंग मार्केट है तो पिछले साल आपकी 2021 में एक रिपोर्ट आई थी कि आयुष की जो मार्केट है जो मैंने बताया था कि तीन बिलियन डॉलर से आपका इंक्रीज करके यह 18 बिलियन डॉलर हो चुकी है 2014 से 2020 के बीच में सो so 17 परसेंट ग्रो है और 2022 तक ये 23 बिलियन डॉलर तक जा चुकती है जा सकती है इनफैक्ट अभी भी मार्केट शेयर इंडिया का ट्रेडिशनल मेडिसिन में 2.8 परसेंट हो जाएगा तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है आपका ये ध्यान रखना साथ में एक्सपोर्ट्स पर भी काफी ज्यादा आपका इंफोसिस करा जा रहा है एमओ साइन करे गए हैं और स्टैंडर्ड्स आई स्टैंडर्ड्स डेवलप करने की बात हो रही है आयुष एक्सपर्ट्स के आयुष प्रोडक्ट्स के लिए सो ताकि एक्सपोर्ट्स काफी ज्यादा हो जाए आपके फिर एक इनिशिएटिव है आयुष उद्यामा

Uh, गंदरेबल में आपका है सो so, उन्होंने भी आपका बी का फर्स्ट बैच आपका देखा था तो ये आपका इनग्रेट करा गया था आपका जम्मू एंड कश्मीर आपका गंदरेबल में आपका इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की बात करें तो पिछले ये आपका हर साल 21 जून को आपका सेलिब्रेट करा जाता है और 2021 का थीम था योगा फॉर वेलनेस 21 जून को तो दिसंबर 2014 में यूनाइटेड नेशन प्रोक्लेम 21 जून एज द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा बाय रेजोल्यूशन 69 131 तो दिसंबर 2014 में आपका प्रोक्लेम करा गया था मोदी जी ने आते ही ये करा था और 2015 को पहला योगा डे आपका सेलिब्रेट करा गया था जो हर साल 21 जून को आपका सेलिब्रेट करा जाता है तो वही इस वजह से वाई ट्वेंटी जून बिकॉज इट इज द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर इन द नॉर्दर्न एमेस्फेयर एंड काफी टाइम पे आपका ये सोलर सेलिस्टिस जो आपका होता है सोलर सेलिस्टिस मार्क्स द ट्रांजेशन टू आपका दक्षिणयाना तो ये सोलर सेलिस्टिस का जो आपका डे होता है आपका जो लॉन्गेस्ट डे होता है आपका नॉर्दर्न हेमेस्फेयर में वो आपका ईश्वर से माना जाता है इट इज ऑल्सो नोन एज गुरु पूर्णिमा शेवा द फर्स्ट योगी इज टू हैव बिगन नॉलेज ऑफ योगा टू द रेस्ट ऑफ द मैन बिकेम द फर्स्ट गुरु आदि गुरु तो इनफैक्ट गुरु पूर्णिमा होती है जून ट्वेंटी फर्स्ट आपका लॉन्गेस्ट डे ऑफ सोलर नॉर्दर्न हेमेस्फेयर होता है सोलर सेलिस्टिस कहते हैं इसे गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं और साथ में इसी दिन भगवान शिव ने जो हिंदू माइथोलॉजी में कहा जाता है द फर्स्ट योगी आदि योगी तो उन्होंने योगा इंपार्ट करनी शुरू करी थी साथ में पिछले साल योगा डे पे आपका प्रधानमंत्री मोदी जी ने डब्ल्यू एच ओ एम योगा आप लॉन्च करी थी इंप्रूव करने के लिए आपका साथ में एक और भी ऐप लॉन्च करी थी वाई ब्रेक फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स टू रिफ्रेश स्ट्रेस इन जस्ट फाइव मिनट्स तो वाई ब्रेक आपकी ऐप आप लॉन्च करी थी वाय ब्रेक आपकी योगा के कंटेक्ट में है कि वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए कि जिनको आपको पांच मिनट की ब्रेक चाहिए आप पांच मिनट के लिए योगा करिए इंक्लूडिंग यूजिंग आसन प्राणायाम एंड ध्यान तो ये आपका इंश्योर करेगा आपको फोकस के लिए साथ में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने हैज रिकोगनाइज नेशनल योगा आसना स्पोर्ट फेडरेशन एज अ फेडरेशन फॉर योगा आसना एज अ कॉम्पिटेटिव स्पोर्ट तो एक फेडरेशन है नेशनल योगा आसन स्पोर्ट फेडरेशन तो इस फेडरेशन को एज अ स्पोर्ट फेडरेशन रिकॉग्नाइज करा है, मतलब कर है. आयुष ग्रिड के बारे में सो इनसुएस टू द नेशनल हेल्थ पॉलिसी ऑफ टू थाउजेंड सेवेंटीन द आयुष ग्रिड प्रोजेक्ट वॉज इनिशिएटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इन टू थाउजेंड एटीन फॉर क्रिएटिंग आई टी बैकबोन फॉर द एंटायर सेक्टर डिजिटलाइजेशन ऑफ द आयुष सेक्टर विल लीड्स टू इट ट्रांसफॉर्मेशन इन फील्ड ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी एट ऑल लेवल्स इंक्लूडिंग रिसर्च एजुकेशन वेरियस हेल्थ प्रोग्राम्स एंड ड्रग रेगुलशन तो ये आपके ऑब्जेक्टिव है आयुष ग्रिड के द मोस्ट सिग्निफिकेंट अमंग द डिफरेंट इनिशिएटिव इंप्लीमेंटेड सो फार इन द प्रोजेक्ट इज द आयुष हेल्थ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम तो यह ध्यान रखना कि आयुष ग्रिड प्रोजेक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो आपको क्या क्या पॉइंट आपको याद रखने हैं पहला पॉइंट हो गया कि आपका नेशनल हेल्थ पॉलिसी आपका जो है एनएचपी 2017 आपका उसके में प्रोजेक्ट है दूसरा है आपका 2018 में इनिशिएट गया था तीसरा आपका नाम किसका है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का तो है ही आपका एंड चौथा आपका कौन सा हो गया कि इसके अंदर आयुष हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आपका ए ये आपका बनाया गया है तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है आपका अब हम बात करते हैं फार्माकोपिया कोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी पी सी आई एम एन एच तो फार्मासोपिया आपका कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी सो दिसनेट ऑफिस मर्जिंग थ्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है आपकी ये एज अ सब ऑर्डिनेट ऑफिस आपका एस्टैब्लिश करा गया था बायर्जिंग द्री ऑर्गेनाइजेशन नेमली फार्माकोपियल लेबोरिट्री फॉर इंडियन मेडिसन एंड होमियोपैथिक फार्माकोपियल लेबोरिट्री ट ऑफिस ये दोनों आपके पी एल आई एम एंड एचपीएल ये दोनों एंड दूसरा आपका हो गया फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन होमियोपैथी इन दोनों को इन तीन ऑर्गेट पीसीआईनेट ऑफिस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड इसका ऑब्जेक्टिव है फॉर एनहांसिंग द स्टैंडर्डाइजेशन आउटकम्स ऑफ आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी एंड होमियोपैथी ड्रग टूवर्ड्सिव रेगुलेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल आपका साथ में नई लेजिस्लेश आपकी काफी आपकी बनाई गई थी तो एक आपकी होगी नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के आपके आयुष सिस्टम के कंटेक्स में होम्योपैथी के हजार में आपकी 2020-2021 में आपकी लेजिस्लेशन बनाई गई थी 2020 में बनाई गई थी 2021 में ये इफेक्ट में आ गई थी सो नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एक्ट 2020 सो so, ये सो करा गया था टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल एक्ट ऑफ नाइनटीन और उसके अंदर जो बॉडी थी आपकी काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन इंडियन सिस्टम ऑफ एक्ट ऑफ 2020 दिस वाज इनएक्टेड टू रिप्लेस द होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल एक्ट ऑफ 1973 एंड उसके अंदर जो आपकी बॉडी बनाई गई थी सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी तो उसको रिप्लेस कर दिया था नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी एक्ट ऑफ 2020 तो आप देख सकते हैं कि होम्योपैथी अभी भी चाहे उसको थोड़ा उसका क्रिटिकल बट स्टिल अभी भी उसको एक मेजर बॉडी मानी जाती है मेजर ब्रांच आपका माना जाता है तो इस कंटेक्स में आपका आयुष पे फोकस है आपका तो फ्रेंड्स ये था मेरा लेक्चर आपका ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन के ऊपर आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो इफ यू लाइक दिस लेक्चर देन डू प्रेस द लाइक बटन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ ए एक्स We are present on various social media platforms like Facebook, Instagram, Telegram, and YouTube. This is our mail id info at the rate aqbias.com and this is our contact number 931905800. If you have any query, then please feel free to connect with us via these social media platforms or these contact details. So friends, this is Deepak Singh on behalf of AQBias. Bye. Thank you.